बीजेपी सरकार ही द बेस्ट सरकार है, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म करा, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी गुंडा राज, क्योंकि हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए रोड पे निकलना भी मुश्किल होता था, कोई भी लड़का कहीं भी छेड़ के चला जाता। लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, जब से हम खुल्लास घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है कि कोई छेड़ेगा नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये हौसला हमें बीजेपी ने दिलवाया। नहीं भाई, हम तो जो वास्तव में किसानों की आवाज उठाएगा, मजदूरों की आवाज उठाएगा, हम उसके साथ है, वो चाहे कोई भी हो। और 5 तारीख को जो है पंचायत हुई थी, उसके बारे में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे हिसाब से भी न्यूज वगैरह हमने भी देखी है मीडिया के माध्यम से, उसमें किसानों के और मजदूरों के हित में कोई बात हुई नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं जिस मैदान में मौजूद हूँ, यहीं पर 20 दिन पहले राकेश टिकैत ने भी महापंचायत का आयोजन किया था। भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन आज भी बहुत जबरदस्त भीड़ है। और सबसे बड़ी बात कि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल नहीं हैं, यहाँ पर स्टेज भी इस तरह से पंडालों से नहीं ढकी हुई है, ना यहाँ का कोई खाने का इंतजाम है। लोग अपने घरों से अपना खाना लेकर आए हैं और अपने गाँव से यहाँ का सफर हुआ। और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर यहां पर आएंगी, आप देख सकते हैं। और तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं। आप कहां से आए? हम यही आसपास के क्षेत्र हैं, बिजनौर से आए हैं वैसे हम लोग। अच्छा, जी अब आप कैसे देख रहे हैं? अभी राकेश टिकैत ने यहाँ पे रैली की थी, किसानों को इकट्ठा किया था और कहा था कि सरकार को पलट देंगे, तो आप लोग भी यही बात कह रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं? वो तो भैया आपने भी सुना होगा, हमने पलटने वाली बात उन्होंने जो बोल रहे हैं मंच पे, हमारे किसान नेता चंद्रमोहन जी और जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने पलटने वाली बात की है, नहीं की है तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से। लेकिन पलटने का तो सिस्टम उन्होंने बोल भी दिया, जो उन्होंने अच्छे काम करे हैं तो अभी उसके साथ कुछ कमी भी है तो उनमें सुधार कर ले सरकार, बस ये चाहते हैं हम लोग। तो योगी जी ओवरऑल बहुत लगातार सुरक्षा पे बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमने दी है, जो पहले छेड़खानी, छिंटाकशी और फब्तियां लोग कसते थे, अब वो है कि नहीं? नहीं, काफी हद तक ठीक है माहौल, लेकिन कहीं कहीं पे है, वो वोट बैंक के हिसाब से होता है भाई, सब जगह राजनीति का ही मामला है सारा कुछ, तो हर जगह जहाँ भी अगर ये जितने आप बता रहे हो छिंटाकशी वाला मामला है, जो भी है, मतलब सारा कुछ होता है वोट बैंक के लिए, नहीं तो काफी हद तक वैसे सुरक्षा है। अब आपको क्या दिख रहा है, आप कौन सी मांग के लिए यहाँ पर पहुँचे थे? मेन मांग तो भाई हमारी यही है, जो यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति के बोल रहे हैं संस्थापक जो ये हैं चंद्रमोहन जी, तो हमें ठीक लगा, क्योंकि वास्तव में हमें लगा कि वे हैं वास्तविक किसान नेता, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि यहाँ वे अपने लिए कोई खास व्यवस्था बनवाते तो सीधी सी बात थी, वो भी राजनीति करने वाले राकेश टिकैत को नहीं मानते क्या? नहीं जी, हम नहीं मानते। क्यों? किसान नेता हम उन्हें मानते ही नहीं है। वो तो 9 महीने से कह रहे हम किसानों की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ 5 तारीख में कितनी हुई है सबने देखा है, तो कितनी हुई है 5 तारीख में किसानों की बात? क्यों जी, आप नहीं मानते? नहीं जी, किसानों के हित की एक भी बात नहीं रखी उन्होंने। तो आपको लग रहा है आज किसानों की असली बात हुई है? आज मजदूरों की बात, आज मजदूर के और किसान के दिल की बात हुई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार को पलट देंगे, गद्दी पे से हटा देंगे, ठाके उल्टा ठोक देंगे, आप भी यही भाषा बोलते हैं कि आप कुछ और कहेंगे? हमें शिकार सरकार से कोई शिकायत नहीं, बस वे जो हमारे श्री चंद्रमोहन जी ने, संस्थापक जी ने बातें रखी हैं, उन पे वे विचार रखें और उनको वे मांगे हमारी पूरी कर दें, हमें किसी से कोई इतराज नहीं। वो तो तमाम दूसरी पार्टियों के साथ भी दिख रहे हैं, उनके लगातार जयंत चौधरी, अखिलेश यादव का साथ गठबंधन दिखाई दे रहा है, आप क्या मानते हैं, आप लोग भी उन्हीं के साथ हैं कि कहीं और है? नहीं भाई, हम तो जो वास्तव में किसानों की आवाज उठाएगा, मजदूरों की आवाज उठाएगा, हम उसके साथ है, वो चाहे कोई भी हो। और 5 तारीख को जो है पंचायत हुई थी, उसके बारे में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे हिसाब से भी न्यूज वगैरह हमने भी देखी है मीडिया के माध्यम से, उसमें किसानों के और मजदूरों के हित में कोई बात हुई नहीं थी। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? 5 साल उनको होने वाले हैं, क्या लग रहा है जो मांग आज आपने उठाई वो इन बातों को मानेंगे? हाँ जरूर मानेंगे, क्यों नहीं, जो हमने मानने लायक बात बताई है हमारे उन्होंने जी, तो मानेंगे बात, बिल्कुल सुरक्षा देंगे, और जो हमारा गन्ना 5 साल से नहीं बढ़ाया जा रहा वो बढ़ाएंगे, जो हमारे आवारा पशु हैं उनका समाधान करेंगे हम, और अगर नहीं मानेंगे हमारी मांग तो और जोर से आवाज देंगे। मान गए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर मान गए तो यहीं तक सीमित है, अगर नहीं माने तो और आगे तक जाएंगे, अभी तो फिर यहीं तक सीमित है, आगे भी जाएंगे अगर नहीं सुनेंगे तो, मान गए तो यहीं तक रह जाएंगे जी। कौन सी सरकार है जो किसानों की मजदूरों की सुनेगी? जी कोई सी भी सरकार हो, हम तो सभी सरकार के साथ है, जो किसानों के हित में बोलेगी, जो किसानों की आवाज़ सुनेगी, उनकी उनका सम्मान करेगी, हम उस सरकार के साथ हैं, चाहे वो भाजपा हो या बीजेपी हो।
तो योगी जी, अगर आप एक ओवरऑल बात करें, उनके 4.5 साल का आपने शासन देखा है, पहली सरकारें भी आपने देखी, कंपैरिजन करें तो कौन सी सरकार को आपने? बीजेपी सरकार द बेस्ट सरकार है, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म करा, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी गुंडा राज, क्योंकि हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए रोड पे निकलना भी मुश्किल होता था, कोई भी लड़का कहीं भी छेड़ कर चला जाता। लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, जब से हम खुल्लास घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है कि कोई छेड़ेगा नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये हौसला हमें बीजेपी ने दिलवाया जी। जब से योगी ने सत्ता संभाली है तब से हौसला बढ़ा, बहुत हौसला बढ़ा है जी हमारे अंदर उनसे, वे हर कदम पे हमारे साथ होते हैं। अगर कुछ अच्छा करा है, जैसे गाय कटने का आरोप लगाया उन्होंने, तो ये खुले पशु जो फिर रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं, इससे तो किसान बहुत परेशान है। तो हमारी, अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है, हमारी योगी जी से ये मांग है कि वे पशुओं की व्यवस्था बनवाए। हाँ, रोड, आप जैसे युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं किसान को वो क्या सरकार को पलटने की बात हो रही है, उखाड़ कर फेंकने की बात हो रही है, उस मंच से लगातार ये बात होती रही, क्या अब आप उन लोगों को जवाब देंगे कि जो इस तरीके से सिर्फ राजनीतिक मंच बनाते हैं किसान के मंच को? भाई, पलटने का मामला तो ये है, उन्होंने उन्हें पलटनी है, वे अपनी ताकत से पलटे, उनका क्या मामला है। लेकिन अगर सरकार हमारा साथ देगी तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं देगी तो आने वाले टाइम में मजदूर किसान विराज कर सकता है, पहुंचेंगे आगे जाके और कहीं कहीं पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। हमारे जो पहले किसान नेता रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि जब तक मजदूर और किसान खुद राजनीति में नहीं आएगा, तो राजनीति में वास्तव में जो दर्द नहीं समझेगा किसानों को, वो राजनीति करने लायक है नहीं है। तो इन लोगों ने कहा, सरकार दर्द समझ रही है क्या? जी, जरूर समझेगी, जरूर समझेगी। हम इतने दिल से शर्तें मानो, हमारी शर्तें पूरी करो तो जरूर मानेगी। बस एक तरीका होता है समझाना, एक तरीका होता है ना समझाना। टिकैत जी ने यहाँ पे जो मीटिंग रखी थी, शायद वो नहीं समझा पाए, इसलिए हमने यहाँ किसान का मुद्दा रखा जाता। अगर किसान का मुद्दा उस टाइम पे नहीं रखा गया, तो आज किसान यहाँ खिट्टे हुए हैं दोबारा से, वरना ये नौबत नहीं आती अगर वो किसान का मुद्दा रखते तो। महिलाओं की आवाज है जो लगातार आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं यहां पर जुटी हैं, झंडा गन्ना उनके हाथ में है, और गन्ने की वो बात यहां पर करने आए थे, अपने घर से खाना बनाकर वो यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था, कोई वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट की लगातार बात होती है, वो यहां पर कुछ नहीं है। लोग इसी तरीके से इस भरी दोपहर और कड़ी धूप के अंदर अपनी मांगों को मांगते नजर आए। लेकिन एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार है वही इनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन देखना होगा आखिरकार कब तक। इस वीडियो शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।